हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम फूड रेसिपीज़। और होम फूड रेसिपीज़ में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रेड समोसा की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। ब्रेड समोसा बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैंने लिए हैं 15 ब्रेड के स्लाइस, ये वाइट स्लाइस का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ। आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। और आधा किलो बॉयल किए हुए आलू, ऑयल, 2 टेबल स्पून काजू, 2 टेबलस्पून किशमिश, 1/4 टीस्पून हींग पाउडर, 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ जिंजर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1 हैंडफुल कोरिएंडर लीव्स, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/4 टीस्पून अजवाइन का पाउडर। आप चाहें तो साबुत अजवाइन भी ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और 1/2 कप यहाँ बॉईल किए हुए मटर। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो समोसे की स्टफिंग तैयार करने के लिए हमने आलूओं को इस तरह से तोड़ लिया है अच्छे से, और इन्हें ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा मोटा मैश करना है इनको, आलूओं को। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, भुना हुआ जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। गरम मसाले से इसका ये जो खुशबू है स्टफिंग की, वो बहुत अच्छी हो जाती है। और चाट मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर को आप हसब जायका भी यूज़ कर सकते हैं। अजवाइन, अमचूर पाउडर और सॉल्ट, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, और अब इसमें हम डालेंगे ये ग्रेट किया हुआ जिंजर, और साथ ही साथ इसमें हम डाल देंगे हींग पाउडर, किशमिश डाल देंगे, किशमिश से इनका जायका बहुत अच्छा हो जाता है समोसों का, और काजू डाल देंगे। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसके साथ ही साथ इसमें ऐड कर देंगे बॉईल किए हुए मटर, इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और बस अब इसके साथ जो हमने स्टफिंग तैयार की थी उसको ऐड कर देंगे। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और इसमें हम कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इन समोसों की स्टफिंग जो होती है, ब्रेड समोसों की, वही स्टफिंग होती है जो हम समोसे में इस्तेमाल करते हैं। बस फर्क इतना होता है कि यहाँ हम ब्रेड का यूज़ कर रहे हैं और समोसे बनाने के लिए मैदा का यूज़ करते हैं, वरना स्टफिंग इनकी सेम होती है। तो इन्हें अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, और अब इन्हें एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये स्लाइस ले लिया है, अब इसको हम रोलिंग पिन से अच्छे से बेल लेंगे। तो इसको हम फ्रेंड्स इसलिए बेल रहे हैं रोलिंग पिन से कि ये जो है ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करेगा ज़्यादा, वरना तो अब जब ब्रेड समोसे हम बनाते हैं तो उसके अंदर ऑयल भर जाता है। तो अगर इस तरीके से हम इन्हें बेल लेंगे तो इसमें ऑयल नहीं जाएगा। तो इस स्लाइस को अच्छे से बेलना है हमें इस तरह से। बेलने के बाद में आप कोई भी कटोरी ले लीजिए और उससे इस तरीके से रख दीजिए स्लाइस के ऊपर, और इस तरह से इसको कट कर लेंगे हम, देखिए इस तरीके से। और इसी तरह से हम बाकी स्लाइस भी अपने रेडी कर लेंगे। तो इन स्लाइस को तो हमने रेडी कर लिया है, अब हम इनको बीच में से कट करेंगे इस तरह से। और कट करने के बाद में अब इसमें हम ये फिलिंग इनमें भरेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें वाटर लगाना होगा ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए। इस तरह से, और अब इनको हम इस तरीके से समोसों की शेप देंगे, देखिए इस तरह से हल्के से दबाएंगे। इस तरह से, और अब इसके अंदर ये फिलिंग डालेंगे। तो इसको ज़्यादा नहीं डालना है हमने, बहुत थोड़ी थोड़ी सी फिलिंग इसमें ऐड करेंगे।
और यहाँ भी हम वाटर लगाएंगे इस तरह से ताकि इसके जो एजेस हैं अच्छे से आपस में चिपक जाए। अगर हमने पानी यहाँ सही से नहीं लगाया तो ये खुल भी सकते हैं फ्राई होते वक्त, तो इस बात का खास ख्याल रखें कि इन्हें अच्छे से हमें चिपकाना है। और अब इस तरह से इन्हें हम हाथों से हल्के से प्रेस करेंगे यहाँ, और ये देखिए इस तरह से हम सारे समोसे रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स थोड़े से समोसे हमने इस तरीके से रेडी कर लिए हैं, तो इन्हें हम आपको फ्राई करके दिखाते हैं। तो यहाँ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, इसको बहुत ज़्यादा गर्म हमें नहीं करना है क्योंकि अगर ज़्यादा तेज ऑयल में हम इसको डाल देंगे तो समोसे बाहर से तो फ्राई हो जाएंगे बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो अब इनको हम एक एक करके डालेंगे और फ्लेम को हमें मीडियम रखना है इस तरह से। और अब आधा मिनट के बाद इनको हम फ्लिप कर देंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है हमने। तो अब इनको हमें फ्लिप कर देंगे हम। तो ये समोसे जो होते हैं फ्राई होने में ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं बिकॉज यहाँ हम ब्रेड का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें। तो अब ये फ्राई हो चुके हैं लगभग, और इन्हें हम निकाल लेंगे इस तरीके से देखिए। और यहाँ मैं इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल रही हूँ ताकि इनका जो एक्सेस ऑयल है वो भी निकल जाए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स रेडी है हमें हमारे गर्मा गर्म समोसे, इंजॉय करें इसे चाय के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ होम फूड रेसिपीज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।